एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। जब हम किसी मटेरियल पर, किसी सॉलिड पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन पैदा होती है। अगर हम लेंथ में डिफॉर्मेशन को स्टडी करें, जिसका मतलब है कि लेंथ बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन पैदा होगी, फोर्स लगाने से बॉडी में एक्सटेंशन पैदा हो, और इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से होगी। यू कैन सी इन द फिगर, फोर्स बढ़ने से एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी और डिफरेंट फोर्सेस के लिए डिफरेंट एक्सटेंशंस होंगी, और इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एज वी कैन सी इन द फिगर। और हम क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं और एक्सटेंशन पैदा हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब है वर्क इज बीइंग डन ऑन दैट सॉलिड या ऑन दैट ऑब्जेक्ट, और ये वर्क डन उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, बिकॉज वी हैव स्टडीड वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। अगर फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो F1 हो और जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो L1 हो, तो फिर वर्क डन हम इस ग्राफ के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस हमारे पास इस फिगर में L1 है और हाइट हमारे पास F1 है। L1 का मतलब है एक्सटेंशन जो पैदा हुई, और F1 का मतलब है वो फोर्स जिसने ये एक्सटेंशन पैदा की है, और यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा। हम फोर्स F1 फाइंड करते हैं, और इसे फाइंड करने के लिए वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। और इलास्टिक मॉडुलस हम जानते हैं इट इज अ रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और यहां पर क्योंकि लेंथ में चेंज पैदा हो रही है इसलिए वी विल कंसिडर टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। सो इलास्टिक मॉडुलस ई इज इक्वल टू एफ वन ओवर ए, ये है टेंसाइल स्ट्रेस, और डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन विच इज चेंज इन लेंथ L1 ओवर ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L, और इसे हम रीअरेंज करें तो वी विल हैव E इज इक्वल टू F1 इनटू कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय A एरिया ऑन विच द फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड इनटू L1 विच इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। और यहां से अगर हम F1 की एक्सप्रेशन निकालें, F1 विल बी इक्वल टू E A L1 over capital L. So this is the force जिसने extension L1 पैदा की है, और ये force अगर हम work done के formula में जो ऊपर हमने calculate किया है, work done is equal to 1/2 L1 into F1 वहां पर put कर दें तो we will have work done is equal to 1/2 E A L1 over capital L, और इस फॉर्मूले में E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, A एरिया है ऑन विच द फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड, L1 एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड है, और कैपिटल L यहां पर ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर है। सो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गई है, यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी इन सॉलिड्स।